दोस्तों आज की कहानी है, बहू तुमने तो घर का नियम तोड़ा है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। कन्निका शर्मा परिवार की पढ़ी लिखी समझदार बहू थी। ऐसे तो सर्वगुण संपन्न थी पर अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। सास ससुर देवर ननद पति सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती, हर रिश्ते को बखूबी निभाती। अरे रीमा साई सडादी, क्या बाबूजी आते ही होंगे। कन्निका सांझ की आरती कर एक दीपक तुलसी पर भी रख देना। सरिता ने बेटी बहू को निर्देश दे दिए। जय और विजय पिता के साथ दुकान से आ गए। रीमा ने पिता को साई दे दी। दोनों भाई हाथ मुंह धोने चले गए। ये आलोक शर्मा जी का सुखी और संयुक्त परिवार। भाभी आप खाना लगा दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। रीमा ने दरी बिछा दी। दोनों भाई माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गए। कन्निका गरम गरम रोटी उतारती जा रही, रीमा सबको परोसती रही। भाभी के हाथ के स्वाद के तो क्या कहने, मेरी पसंद की पनीर भुर्जी, भैया का पसंदीदा रायता, बाबूजी का सूजी का हलवा, रीमा की फेवरेट खस्ता पूरी। विजय अंगुलियां साटता हुआ बोल रहा, साक्षात अन्नपूर्णा है मेरी बहू। ससुर जी सूर में सूर मिलाई सबको, इतना खुशी से खाता देख सरिता और जे भी प्रसन्नचित हो जाते। इतनी तारीफ सुनने के बाद तो कन्निका के काम की सारी थकावट पल में उड़ नसु हो जाती। अपने इस छोटे से संचार में कन्निका इतना रम गई थी कि वो सबको खुश रखते रखते खुद की पसंद ना पसंद ही भूल बैठी थी। कन्निका ही नहीं ज्यादातर घरेलू औरतें ऐसा ही करती हैं। दो मीठे प्यार के बोल सुनने को वो पूरा दिन लगी रहती है। सबके सहरे की मुस्कुराहट को ही अपनी गाड़ी कमाई मान कर खुश हो जाती है। इन्हीं सब में कहीं न कहीं वो इतना खो जाती है, अपना अस्तित्व ही भूल जाती है। रीमा जानती थी भाभी को बैंकिंग और कुकिंग का शौक है। उसने कई बार भाभी का मन टटोलने की कोशिश की। शर्मा परिवार में औरतों का काम करना गलत माना जाता था और कन्निका अपने ससुराल के माहौल के हिसाब से ढल गई थी। लेकिन जे अपनी पत्नी को समझता था, वो जानता था कि ये अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी तो वो दुकान का बहाना कर कन्निका को होममेड चॉकलेट के ऑर्डर लाकर देता। कन्निका दिन में सबके सस्ताने के समय पर वो चॉकलेट बनाती। रात को कमरे में सुपके से उनकी सुंदर सी पैकिंग कर देती। जे अपनी दुकान पर भी चॉकलेट रखता, सो पकड़ी जाने पर पति पत्नी बहाना कर देते। जन्मदिन साल
सालगिर त्योहार के अलावा वैलेंटाइन पर उसका बिजनेस जहां दा सलता, लेकिन घर में किसी को पता ना सले तो वो जहां दा ऑर्डर नहीं ले पाती। घर में पति पत्नी के अलावा कोई ये बात नहीं जानता था। छोटी सी कमाई भी कनिका को बहुत सुकून देती। हाथ में अगर पैसा खुद का कमाया हो तो खुशी अलग ही होती है। साल के 20 से 25 हजार उसके खाते में जमा हो जाते, जिससे कनिका मायके से मिले नेग और बसत का नाम दे देती। घर का सारा खर्च सरिता और आलोक जी सलाते। बेटी बहू को शॉपिंग के लिए पैसे उन्हीं से लेने होते थे और खर्च का सारा हिसाब घर आकर देना होता था। यही नियम बेटों पर भी लागू होता था। कनिका मध्यम वर्गीय परिवार से थी, विधवा माँ थी, जो पूरी तरह से बेटों बहू पर आश्रित थी। कनिका का मायके जाना हुआ, अचानक माँ के पेट में दर्द होने से वो उन्हें अस्पताल ले गई। वहाँ पता चला तुरंत ऑपरेशन करना होगा। कनिका ने भाइयों से बात करी तो वो बोले पेन किलर का इंजेक्शन लगवा दो, अब इस उम्र में क्या ऑपरेशन करवाना भाइयों से। उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। उसने जे को अस्पताल बुलवाया। दोनों पति पत्नी ने माँ का ऑपरेशन करवा दिया। माँ को घर पहुंचाकर कनिका ने भाई भाभियों को शर्मिंदा किया, माँ मेरी भी है सो इनकी सेवा मेरा भी फर्ज है। ऑपरेशन का खर्च मैंने भर दिया, लेकिन अब इनकी सेवा में लापरवाही हुई तो मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगी। भाई भाभी पसीना पसीना हो गए। कनिका अपने कमाए पैसों का ऐसा सदुपयोग देख बहुत खुश थी। आज अपना पैसा अपनी माँ के इलाज में खर्च कर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। लेकिन ये खुशी संद लहमों की थी। ससुराल पहुंचते ही सबकी निगाहें जे और कनिका पर थी। सरिता और आलोक जी ने समदन की तबीयत से पहले अस्पताल के खर्चे के बारे में पूछा, ये क्या सुन रहे हैं बहू, तुम्हारी माँ का इलाज तुमने अपने पैसे से करवाया, हमारे घर का नियम तुमने कब तोड़ा, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई। कनिका का दर्द आंखों में अब और ना सिमट सका, आंसू बह गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ बाऊजी, मैंने आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया। आज मेरी माँ मेरी आंखों के आगे दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मेरी इस आत्मनिर्भरता की वजह से मुझे मेरे भाइयों या ससुराल वालों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। मुझे पता है इस मुश्किल घड़ी में आप मेरी मदद जरूर करते, लेकिन बाऊजी मुझे जो खुशी मिल रही उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कनिका ने बाऊजी के पैर छू लिए, उठो बहू, तुमने तो मुझे मेरा गुजरा जमाना
याद दिला दिया, मेरे पिताजी भी बीमार थे, मैं छोटा था। हफ्ता भर एक होटल में बर्तन साफ करके उनकी दवाई का पैसा जोड़ा। सासा से पैसे न मांग कर अपने कमाए पैसे से जब पिताजी की दवा लाया तो अजीब सा सुकून मिला था। उस जमाने में तो सिर्फ बेटे ही कमाते थे, वही माँ बाप की सेवा करते थे, लेकिन अब बेटा बेटी बराबर हैं तो उनके फर्ज भी समान हैं, तो कमाने का अधिकार भी दोनों को है। अब पुराने नियमों को बदलने के समय आ गया है। अब कनिका ने सास और ननद की मदद से अपना होममेड चॉकलेट का बिजनेस बढ़ा लिया। उसने बड़े ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। साल का 20,000 से आमदनी 1,00,000 तक पहुंच गई। सच है दोस्तों, जब एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, और जब एक औरत आत्मनिर्भर होती है तो पूरे परिवार का विकास करती है।